मोक्षधाम में यहाँ आने का विषय ऐसा है कि मोक्षधाम जो घाट है ये सबसे प्रसिद्ध घाट है, सबसे बड़ा घाट है और अर्धनारी नटेश्वर की जो मूर्ति है ये सभी घाटों में महादेव बैठे हुए हैं, लेकिन सब घाट से ये जो मूर्ति है ये खाली यहाँ पे जो श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है सिर्फ ये मूर्ति को देखने के लिए, कि जो मूर्ति में जो एक सच्चाई जो लोगों ने यहाँ देखी है उसको देखने के लिए हर वर्ष यहाँ पे जो काफ़ी 50-60 हज़ार जो भी है लगभग 1 लाख के दरमियान यहाँ लोग उपस्थित होते हैं और मेरी 1 महीने से ऊपर बोलो तो भी यहाँ तैयारी चलती है। जैसे कि हमारे इधर में लेडीज़ और पुरुष लोग आती है उनके लिए मैं अलग अलग व्यवस्था करता हूँ और उनके लिए जो भी है कि श्रद्धालु को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इसके लिए मेरे को यहाँ गणेशपेट पुलिस स्टेशन से उस माध्यम से मेरे को यहाँ पे एक उनका बंदोबस्त मिलता है और हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि में हमारे विकास भाव ठाकरे ये सुबेरे इनकी 9 बजे जो यहाँ उपस्थिति होती है उनके हाथों से हम यहाँ पे हार अर्पित करके भोले को अच्छा इन्हें उनका वो करते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं के साथ साथ। बस यहाँ पे जो तैयारी होती है ये लोगों को बहुत अच्छा नहीं, यहाँ पे एक गार्डन दिया हुआ है, गार्डन में झूले हैं, लोगों को लगता है कि दर्शन के बाद में गार्डन में जाएंगे झूलेंगे फैमिली और यहाँ पे साबुदाने का फल का फ्रूट का इसका सब चीज़ों का वितरण यहाँ पे कल किया गया है। मेरे साथ में तो मेरे जितने भी है सभी कार्यकर्ता सब भाई लोग जो भी है सब जैसे अभी आप लोग हैं और भी लोग हैं सब लोग का सहयोग है कि ये कार्यक्रम में मेरे साथ रहते हैं और मैं करीबन नहीं कि उसको भी 1 से 1.5 महीना तो लगभग मेरे को लगता ही है। जैसे कि अभी आप लोग ये देख रहे हैं ये टाइल्स लगी, ये टाइल्स पूरी टूटी हुई थी, ये टाइल्स टूटी रहने के बाद में ये पूरा रिपेयर मैंने करवाया हूँ, उसके बाद में यहाँ पे मूर्ति की पेंटिंग है, हर साल मूर्ति की पेंटिंग करवाता हूँ, ये घाट की जो पूरी घाट की पेंटिंग है और भी जो यहाँ पे आते हैं ये आप लोग का यानी बोलना एक ऐसा है मेरा कि सब लोग यहाँ पे आके उपस्थित अपना यहाँ पे दर्शन देते हैं और अपने सही समय पे उनको हमें अच्छा लगता है कि दर्शन के समय में फिर दूसरे दिन अपन यहाँ पे महाप्रसाद करते हैं। इस बार इसलिए ऐसा लगता है मेरे को कि पिछली बार कैसा कोविड के चलते में परमिशन नहीं थी और लोग घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, तो उसके लिए अभी बात ऐसी है कि अभी 2 साल से प्रोग्राम जो हो रहा है तो पिछली बार जो पब्लिक थी मेरे को लगता है कि उससे 2 गुना ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक आना चाहिए, क्योंकि इस बार उनको लग रहा है कि हम ज़्यादा आनंद ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लगता है कि यहाँ आके दर्शन अच्छे होंगे, तो इसीलिए लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने करीबन नहीं कि उसको भी 4 से 5 ज़्यादा ही बोलो ये साबुदाना खिचड़ी कोई साबुदाने के वड़े है कोई केले फल है फ्रूट है ये यहाँ पे बांटा भी रहता है, तो उसके वजह से लोगों को भी प्रसाद का भी यहाँ पे वितरण होता है और दर्शन भी अच्छी तरह से यहाँ पे हो जाते हैं।